अस्सलाम वालेकुम अंकल जी वालेकुम अस्सलाम। जी। आज का हमारा कॉन्वर्सेशन आपके साथ लेक्चर है लतीफ़ों पे, लताइफ़ सिता और तज़किया नफ्स। जी एंड इसके बारे में बड़ी सारी सी रिक्वेस्ट थी कि लतीफ़े क्या हैं, इन पॉइंट्स के क्या मायने हैं, इनसे क्या होता है। एंड तो जी आप ये सारी क्लैरिफिकेशंस आज आपसे हम सुने। जी الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. جي आज का ये जो उन्वान है जिसमें के लताइफ और तज़किया नफ्स, तो इसका हम शुरू इस तरह करते हैं कि फिर बुनियाद से कि इंसान दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी ये सिंगल नहीं है, ये कंपाउंड है, एक जिस्म दूसरा रूह। जिस्म मादी मखलूक है, रूह नूरानी मखलूक है। जिस्म के अपने तकाजे हैं, इसकी गजा, इसकी दवा मादी है क्योंकि ये खुद मादी है। इसी तरह रूह जो इसके अंदर एक रहती बस्ती मखलूक है, वो नूरानी मखलूक है और वो मादी है नहीं है, लिहाजा उसकी गजा और उसकी दवा वो भी नूरानी है और वो उसके लिए भी ऐसे ही उसकी अहमियत है जैसे मादी वजूद के लिए मादी दवा और मादी गजा की जरूरत है। अल्लाह ताला ने इस मादी जिस्म को अपने इर्द गिर्द के मादी फवायद को पाने के लिए और मादी नुकसानात से बचने के लिए हवासे खमसा अता फरमाए, नर्वस सिस्टम अता फरमाया, ब्रेन दिमाग अता फरमाया, ये तीन कंपोनेंट्स मिलकर फिर उसमें इंसान अपनी तगोदो से उलूम हासिल करके वो दिमाग की के मेमोरी स्टोर्स तक वो पहुँचा देता है, जो उसकी रोशनी में मादी वजूद अपने इर्द गिर्द के मादी फवायद को समझता है और उसके अंदर उनके पाने की सलाहियत का ख्वाहिश और जज्बा पैदा होता है और इसी तरह मादी नुकसानात को समझता है और उन मादी नुकसानात से बचने की तगोदो एफर्ट मेहनत करने की वजूद से उसको तरगीब देता है और वजूद से फिर काम लेता है, जो वजूद के आज़ा हैं दूसरे हाथ पांव और दीगर आज़ा उनसे वो ऐसा काम लेता है कि वो उन मादी नुकसानात की रद्द में मुतहरक हो जाए और अपना उसको वो रोक सके मादी नुकसानात को और मादी फवायद तक को पा सके। तो मादी फवायद को पाने की सलाहियत और मादी नुकसानात को रोकने की सलाहियत, ये इस निज़ाम के पास ये अल्लाह ने इसको ये सलाहियत दी है और इस सलाहियत के साथ हम अपने हर बंदा हम में से अपनी अपनी हिम्मत और अपनी अपनी कोशिश और अपनी अपनी इस्तेदाद के साथ फवायद को पाता है और नुकसान से बचता है। ये तो है इसका मादी वजूद की बरकत। दूसरी मखलूक जिसे हम रूह कहते हैं वो इसी जिस्म के अंदर होती है। उसका कुरान पाक में सवाल हुआ कि यस अरुणा का रूह, आपसे रूह के बारे में पूछा गया, तो
قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اتنی بات بتا کر کہ اس کا علم آپ کو زیادہ نہیں دیا گیا مگر تھوڑا سا. یہ بات کو ادھر ہی کلوز اپ کر دی. تو میرے اور آپ کے جو سمجھنے کی بات ہے, جو جس کا تعلق ہمارا آگے تصوف اور سلوک کے امور کو جاننے میں ممد ثابت ہوتا ہے, مددگار ثابت ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے جس طرح جسم کو مکمل چلنے کے لیے اس کے اعضائے رئیسیہ ہیں, یعنی بیسک کمپوننٹس ہیں, جس میں دماغ ہے, جس میں دل ہے, جس میں پھیپھڑے ہیں, جس میں جگر ہے, جس میں گردے ہیں, مثانہ ہے, یا یہ جو میجر پارٹس ہیں, یہ اس کی صحت کو بحال رکھنے کے لیے یہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. اب چونکہ یہ تو خود مادی ہے, تو اس کو یہ مادی حواس بھی چاہیے اور مادی اعضاء رئیسیہ بھی چاہیے اس کی ورکنگ کے لیے, اور ان کا درست ہونا بھی ضروری ہے. تو اسی طرح جو وجود جس کو روح کہا گیا, جس کو بتایا گیا کہ من امر ربی, عالم امر سے لی گئے, اللہ کے نور اور تجلی سے یہ مخلوق بنی اور یہ اس وجود کے اندر اس کو داخل کیا گیا, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, اور اس میں روح کو پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اللہ نے فرمایا جب میں روح کو پھونک دوں تو پھر تم اس کو سجدہ ریز ہو جانا. تو یہ پھونکنے کا عمل جو ہے نا, یہ بتاتا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑی لطیف سی مخلوق ہے, بڑی لطیف سی چیز ہے جو اس وجود کے اندر ہے. تو اس کے لطیف ہونے کی وجہ سے پھر جو اس کے اعضائے رئیسیہ ہیں, یہ بھی اپنے اندر ایک پورا سسٹم رکھتی ہے روح, اور اس کے اعضائے رئیسیہ جو ہیں وہ وہ نورانی ہیں, کیونکہ یہ نورانی مخلوق ہے. اس کے جو نورانی اعضاء ہیں ان کو لطائف کہا جاتا ہے. اب یہ اس فن کے لوگوں نے, جو صوفیہ تھے جنہوں نے اس فن میں مہارت حاصل کی, جس طرح جسم کے فن میں مہارت حاصل کرنے والے لوگ ڈاکٹر کہلائے, اور ڈاکٹرز نے اس پھر سارے پرزوں کے حالات کو پڑھا اور جتنے انسانی وجود کے اعضاء ہیں ان ساروں پر محنت کی, اور ان کی ورکنگ شپ کو بھی پڑھا, اور ان کی ساری کارکردگی کو بھی سمجھا. اسی طرح صوفیہ اکرام نے روح کے معاملے کو ذکر الہی سے وہ اور قرآن پاک کی روشنی میں وہ سمجھا, اور پھر اس کے جو اعضائے رئیسیہ اس کو ملے ان پر محنت کی, اور اس طرح روح کی کارکردگی کو انہوں نے خود بھی اس کو اس سے فائدہ لیا, وہ کارکردگی ان سے دکھائی, وہ کارکردگی لی, اور اس کارکردگی کے نتائج کو پھر انہوں نے ہی آگے منتقل بھی کیا, دوسرے لوگوں کو بھی اس کا رہنمائی. اب روح چونکہ ایک فارغ تو ایک نورانی مخلوق ہے, اللہ کا نور عالم امر سے, تو اس کے اپنے آگے جو فردر اس کے اعضاء ہیں ان کو رئیسیہ ان کو کہا گیا لطائف, اور اس کے جو اعضاء کا مرکزی کارکن ہے اسے قلب کہتے ہیں, قرآن میں اسے قلب کہا گیا. پہلے سپارے سے شروع کریں پڑھنا اگر قرآن پاک, تو آپ کو وہاں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جب بات کی جنرل تو فرمایا کہ فی قلوبہم مرض, کافر جب اللہ کی وحی کو انہوں نے نہ سمجھ سکے, وحی ہو اللہ کی, کلام ہو اللہ کے نور سے, اور زبان اقدس و محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بات اگر ان کو سمجھ نہیں آ سکی آگے, تو اس کے لیے پھر اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ فی قلوبہم مرض, یہ چونکہ بات آخرت کی چیز تھی, جو اللہ کی کلام کی بات تھی, یہ مادی چیز تو تھی نہیں, یہ تو خود بھی نزل علی قلبک لتکون من المنظرین,
ये तो वही भी नाजिल हुई थी जो अल्लाह पाक ने मैसेज दिया, वो मैसेज भी उतरा था कल्बे अतरे रसूल अल्लाह सल्लम की रूह पुरफतू का वो जो आजार रईसिया जिसे कल्ब कहते हैं उसके ऊपर नजूल है, वही जो है वो कल्ब पे होता था और कल्ब से वो वसूल करके वजूद अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजा यानी लिसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मखलूक को पहुंचता था। अब ये तो हर बंदे को क्लियर है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर वही का नजूल होता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अकदस से वो वही जो है वो आम इंसानों को पहुंचती थी। तो ये यहीं से पता चला कि रूह की अपनी एक कारकर्दगी है और रूह का अपना एक निज़ाम है कि वो डिवाइन मैसेजेस वसूल ही कल्ब के जरिए कर। अब था कि भाई ये कल्ब ये रूह सिरी खफी जो लताइफ है इन पर मेहनत करके तो इन सारों की इफेक्टिवनेस को अगर हम पा लें तो इससे रूहानी तरक्की और रूह की आगे सरबुलंदी का जरिया वो बन सकता है। तो जनाब सबसे पहले आया कल्ब, तो कल्ब पे कल्ब जो है ना मरकजी हैसियत रखता है लताइफ में, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दिल जो है वो मादी वजूद के अंदर भी एक मरकजी हैसियत रखता है कि इंसानी हयात जो मादी जिस्म की जो एक्टिविटी है वो है हयात के सबब लाइफ के सबब और वो हयात का सबब ये दिल मेजर ये है कि इसने खून को प्रोसेस करके तो पूरे वजूद में भेजना है और जहाँ जहाँ खून जाता है वहाँ वहाँ उससे वो आज़ा जिनमें से वो खून गर्दिश करता है तो उनके अंदर हयात यानी लाइफ वो रहती है। अगर किसी एरिया में खून की सर्कुलेशन बंद हो जाए तो आप देखते हैं कि उसके बारे में वो कहा जाता है कि यहाँ ये आज़ा जो है इसके काम नहीं कर रहे चूँकि इसके अंदर खून की सर्कुलेशन नहीं हो रही। इसी तरह रूह के जो आज़ाए रईसिया हैं वो उनमें जो सबसे मेजर है वो भी वहाँ भी कल्ब ही है। अब ये कल्ब और वो कल्ब दोनों की लोकेशन एक जगह है लेकिन दोनों बाई मटीरियल डिफरेंट है। मादी वजूद का जो कल्ब है जिसे हार्ट कहते हैं आप, ये इसका काम है खून की प्रोसेसिंग करनी, खून को सप्लाई करना पूरे वजूद में पंपिंग करके, और रूह का जो कल्ब है उसके तो कई काम कुरान पाक में दिए उससे पता चले। मसलन अल्लाह पाक ने सबसे पहली बात जो फरमाई थी कि फी कुलूबिहिम मरबुन, ये जिनको अल्लाह की बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से सुनकर समझ नहीं आ रही तो इनका मसला क्या है, तो फरमाया कि इनका मसला यह है कि फी कुलूबिहिम मरबुन, इनके दिलों में मर्ज है। तो जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फी कुलूबिहिम मरबुन कहा तो ये कुलूब से मुराद ये हार्ट का मसला नहीं है कि उसको हार्ट अटैक होना था उसको, यानी उनका पंपिंग मशीन ठीक नहीं थी, हार्ट जो पंपिंग जिसका काम था उसको नहीं डिस्कस किया अल्लाह ने। अल्लाह ने रूह के उस कंपोनेंट का जो आखरत के मुफीद और मुजिर चीज को पहचानने के लिए बड़ी अहम तरीन जिसकी हैसियत थी इस सिस्टम में उसका नाम कल्ब है और वो नूरानी लतीफा है जो उसकी लोकेशन यही दिल वाली जगह है। तो याद रखें जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि हवास खमसा उनके जरिए नॉलेज आपके इर्द गिर्द की मालूमात जाती है थ्रू नर्वस सिस्टम ब्रेन को और ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या चीज़ मुफीद है और क्या मुज़र है। इसकी मिसाल इस तरह समझ लें कि अगर आपके सामने एक सांप आ गया, आंख ने सांप को देखा, आंख को पता नहीं कि ये सांप क्या चीज़ है, कोई मुज़र है नुकसानदेह है क्या है, उसने सिर्फ उसकी तस्वीर ली और थ्रू नर्वस सिस्टम सेंड कर दी
ब्रेन को, दिमाग ने उसका तजिया किया अपने इल्म की रोशनी में, जो इल्म उसमें फीड हुआ था, तो उसको पता चला कि ये मुजिर है और मौलिक है, यानी सांप जो है ये काट लेगा, और काट ले तो इसके इससे मुजिर असरात वजूद को पड़ते हैं जहर इससे, और इसके जहर से वजूद की डेथ होने का इम्कान मौजूद होता है, तो ये खतरनाक भी है। तो जब दिमाग ने ये जो मालूमात उसके अंदर फीड थी ये बता इसको चेक कर लिया, तो फौरन एक रिप्लाई बैक किया थ्रू नर्वस सिस्टम दिमाग के जरिए इंसान के अज़ा को, टांगों को, पाँव को, जिस्म के दीगर स्ट्रक्चर को ये खबर दी कि इससे फौरन बचो और इसके इज़ा से बचने के लिए जल्दी करो, इफेक्टिव एक्शन करो। तो जनाब आप जल्दी से या आप गए या जल्दी से आपने किसी ऐसी कोशिश की ऐसी जिससे उसकी इज़ा से वो बच जाए। तो ये इसका मतलब है कि उसके हवास ठीक थे, उसके हवास का मरकज दिमाग जिसने ये फैसला करना था ये मुज़िर है या मुफीद है, उसने ठीक फैसला किया और उसने वापस रिप्लाई बैक जिस्म को जो किया वो ठीक किया, रिस्पॉन्ड ठीक किया, और उनको बार वक्त इतला दी कि ये नुकसानदेह हो सकता है। तो इस तरह वजूद जो है उसके बाद उसने अपनी बचत कर ली किसी ने, तो नुकसान से बच गया। अब यही चीज आप लताइफ के बारे में समझ लें कि लताइफ जब किसी बंदे ने कोई इरादा किया किसी ऐसे काम का, मसलन एक बंदे ने हाथ बढ़ाए किसी दूसरे की कोई कीमती चीज चोरी करने के लिए, हाथ बढ़ाए तो हाथ जो है वो अभी बड़े नहीं थे कि अगर इसी तरह जिस तरह दिमाग सलीम था या वो उसके हवास सलीम थे तो उन्होंने फौरन वो अपना सर्किट ऑन किया और उन्हें पता चल गया ये नुकसानदेह है, तो उन्होंने बार वक्त तदारक कर लिया, सांप से बच गए। इसी तरह अगर कल्ब कल्बे सलीम था तो कल्बे सलीम ने इस अमल का जो नतीजा आखरत में मैदान मैशर में मुरतब होने वाला है उसको वो उसने आखरत पर निगाह डालकर मालूम कर लिया कि अगर मैंने ये चोरी की चीज तो ये वहाँ एक तो मुझे मैं जाहिर हो जाऊँगा सबके सामने, यहाँ तो मैं चोरी खामोशी से करूँगा और किसी को पता नहीं चलेगा बच जाऊँगा, वहाँ तो सबके सामने बताया जाएगा कि ये फलां की चीज़ इसने चोरी की थी ये, और या फलां के साथ इसने ज्यादती की थी, तो वो एक तो सारे जहान की मखलूक के सामने रुसवा होगा, दूसरा उसका बदला मुझे वहाँ चुकाना होगा या नेकियाँ उसको देनी पड़ेंगी उसके लेवल की जितना उसका नुकसान किया, या उसकी अगर उसके पास वो नेकियाँ लेने के बजाय उसका मामला उसकी नेकियाँ कोई ना हुई तो ये इसकी बुराइयाँ उसको लेगा जिसका उसने नुकसान किया हुआ। तो इस तरह वो अपनी नेकियाँ या नेकियाँ देगा या नेकियाँ अगर इसके पास ना रही तो बुराइयाँ दूसरों की लेगा उस वजन के बराबर जिस वजन का उसने दूसरी किसी के साथ जुल्म की, ज्यादती की, किसी की चोरी की या किसी का नुकसान किया। तो ये एक सर्किट है जो इसके साथ साथ ये चलता है जी। तो इसका जानना जरूरी है कि ये लताइफ क्यों हम इसको इस पर मेहनत करते हैं। लताइफ चूंकि रूह के आवा है और रूह नूर है, नूर की मखलूक है, इसके आज़ा भी नूरानी है, इसमें रईसी उज्व जो है वो कल्ब है, तो कल्ब पर जब अल्लाह का जिक्र हम करते हैं तो अल्लाजी अनजल सकीना तफी कुलूब मोमिनीना, मोमिन के कल्ब पर नजूल सकीना, ये अल्लाह पाक ने कुरान में इसकी निशानदेही फरमाई है कि वो नजूल सकीना की वजह से वो कल्ब जो है वो रोशन हो जाता है। इन्नमा अल्मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम, मोमिन वो हैं जब उन पर अल्लाह जब वो अल्लाह का जिक्र करते हैं वजलत कुलूबुहुम उनके कुलूब में जला पैदा हो जाता है, वजलत कुलूबुहुम
वाइजात और आयात हो, अब अल्लाह की आयात अल्लाह के अहकाम उसको जब मिलते हैं तो ज्यादा तुम ईमान आ उसके ईमान में और ज्यादती हो जाती है। वह अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अब उसको अपने रब पर एतबार और एतमाद तवक्कल आ जाता है। तो ये इबादत से याद रखें, सूफी का सबक इबादत से, सफर इबादत से शुरू होता है और ये तवक्कल अल्लाह पर जाकर एंड होता है। इबादत में जिक्र इलाही सबसे आसान तरीन और सबसे आम तरीन काम है अल्लाह का जिक्र। जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वजलत कुलूबुहुम, कुलूब में जला पैदा होता है। तो इस तरह ये लताइफ रोशन और मुनव्वर होते हैं जब हम इन पर जिक्र करते हैं, मेहनत करते हैं। और लताइफ और ये जब ये रोशन होते हैं और मुनव्वर होते हैं तो ये वजूद को भी गजा देते हैं जी, ये नूरानी गजा, क्योंकि ये आते हैं कलब के जरिए। तो कलब के ऊपर जब अल्लाह का नूर आता है तो कलब साथ साथ कलब जो है वो एक फंक्शन भी अदा कर रहा है कि इसी जगह पर एक दिल है जो खून को रेगुलेट करके, तो वो पूरी सर्कुलेट करके जिस्म में भी जा रहा है। तो वो खून भी उसी कलब से जा रहा है जिस सिचुएशन पर नूर का नजूल हो रहा है। ये नूर जब अल्लाह का नूर कल्ब में आता है तो साथ साथ वो खून जो इस मशीन में से रीसर्कुलेट होकर चल रहा है उसको भी रोशन और मुनव्वर करता है। चूंकि नूर की जब वो किरणें अंदर दाखिल होती हैं कल्ब में तो जाहिर है उसके रास्ते में खून भी आता है, तो उससे वो खून भी प्योरीफाई होता चला जाता। तो वो नूर जब वजूद में जाता है, घूमता है, जब कानों में जाता है तो कानों में शर्म और हया की बातें सुनना, ये तो जो चीजें होती हैं वो उन तक तो सुनता है, बेहयाई की बातें नहीं सुनता। क्यों? कि उसके अंदर वो खून सर्कुलेट कर रहा है। इसी तरह आंखों में हया आ जाती है जब आंखों में वो खून सर्कुलेट करता है जो खून अल्लाह के नूर से वो एनर्जाइज हो चुका होता है। तो वो उसके अंदर एक नूर आ चुका होता है उस खून के अंदर, तो वो जब आंखों में से गुजरता है तो आंखों में हया और शर्म आ जाती है और वो बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। याद रखें, इसलिए ये पहला लतीफा है इसे कल्ब कहते हैं। इसके बाद दूसरा लतीफा है, ये पहला लतीफा जो कलब वाली जो दिल वाली जगह है इसी जगह पर छाती से सीने से दो अंगुल नीचे को झुका हुआ ये पहला मकाम है। और इसके बिल मुकाबल राइट साइड पर ये छाती से ये सीने से दो अंगुल नीचे को लेफ्ट साइड में है दिल। यहाँ से शुरू होते हैं लतीफ, तो पहला लतीफा कलब है, दूसरा लतीफा इसके बिल मुकाबल सीने से दो अंगुल नीचे वहां उसको रूह कहा गया। ये कल्ब, ये दूसरा रूह। और ये रूह जो है, अच्छा अब कल्ब जो है ये इस पर, ये चूंकि रूह अल्लाह के नूर की वो से बनी हुई मखलूक है तो अल्लाह के नूर में मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम वो चूंकि बड़े अल्लाह के इंसानियत में सर से अल्लाह को अल्लाह के यहाँ जो इंतहाई मुकद्दस हस्तियाँ हैं वो पांच उलुल अजम रसूल हैं, जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो हस्तियां हैं जो बनी आदम में सबसे आला तरीन मुकद्दस तरीन हस्तियां हैं। अब इनकी जो अरवाह मुबारका है, जाहिर है वो मखसूस अनवारात और तजलियात रखने की सलाहियत रखती है। हर एक नबी के अंदर कुछ खास अल्लाह पाक ने औसाफ रखे, जैसे कलीमुल्लाह है मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा गया।
ईसा अलैहिस्सलाम को उस जमाने में पैदाइश हुई जब जादूगरी और ये चोटी पर थी। जादूगरी नहीं, सॉरी, जादूगरी तो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इंतहा पर थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिर एक ही ऐसा मौजजा दिया गया जिसने जादू की कमर तोड़ के रख, सारे जादूगर जो है वो उनके सामने सजदा रेज हो गए, यानी उनकी उस पावर को और सरेंडर कर गए जो कुछ वो जानते थे। सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के उस नबुव्वत के सामने, क्योंकि इस नबुव्वत को अल्लाह पाक ने वो इम्तियाज दिया, वो ऐसा कमाल दिया कि वो उनके वो उनके सारे बने बनाए जादू को उन्होंने बिल्कुल जीरो करके रख दिया जब उनका मुकाबला हुआ जादूगरों से। तो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर कमालात थे कि वो मुर्दे को जिंदा कर देते थे, कुम बेज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो मुर्दा भी खड़ा हो जाता। मादरजाद अंधे को, यानी बाई बर्थ जो अंधा था, उसकी आंखों पे भी हाथ फेरते थे तो उसके अंदर भी देखने की सलाहियत उदकार आती थी। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को ये कमाल हासिल था कि ये जिल्दी अमराज, ये बिल्कुल कोढ़ जिसको, उस पर भी इसके जिस्म पर हाथ फेरते थे उसका जिस्म वो ठीक हो जाता। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के मखसूस बरकात थे। अब जाहिर है जिस तरह ये मादी दुनिया में ये मखसूस बरकात थे, इसी तरह नूरानी दुनिया में भी उनकी मखसूस वो बरकात थी। फिर आगे चलें तो ये जो आदम अलैहिस्सलाम है, पहला ही लतीफ़ा कल्ब पे, ये लतीफ़ा कल्ब पे आदम अलैहिस्सलाम का नूर मुबारक का मखसूस ये लतीफ़ा है। इसमें जर्द रंग के अनवरात होते हैं जी, और आदम अलैहिस्सलाम के अपने कमालात हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने जरा सी लग्जिश दिखाई और सबसे पहले इंसान भी हैं और सबसे पहले नबी भी, तो उन्होंने फौरन रुजू इल्लाह किया, रब्बना सलमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़तअना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहू अला अल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिलना ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। ये सारी वो बात है जो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरख्वास्त की, अल्लाह मुझसे ज़्यादती हुई, रब्बना ज़लमना अनफुसना, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, व इल्लम तग़फिर लना, अगर तूने मुझे माफ़ ना फरमाया, लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, तो मैं खसारा पाने वाला हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को जो सबक सिखाया वो ये कि इंसान से गलती का हो जाना ये नॉर्मल बात है, लेकिन गलती पर जम जाना, मुस्तकिल कायम हो जाना, ये आदमियत का कमाल नहीं है, इंसानियत का ये कमाल नहीं है। तो वो लोग जो इंसानों में से जो गलती करके फौरन लौट आते हैं, उन्होंने तो आदम अलैहिस्सलाम की इन बरकात को पा लिया, और जो लोग गलती करके फिर गलती से वो बिल्कुल उससे लौटते नहीं हैं, यानी तौबा नहीं करते, तो उन्होंने फिर जाहिर है इबलीस ने ये काम किया था कि गलती उससे हो गई थी, गलती उसने की थी, लेकिन आज तक वो गलती से वापस नहीं लौटा, अल्लाह ने उसको फिर कल्ब को स्टैंप कर दिया, कहते हैं मोर है, उनके दिलों पर मोर कर दी अल्लाह ने। तो इसका मतलब है कि ये दिल जो है इसके अंदर ये औसाफ भी हो सकते हैं और ये औसाफ भी हो सकते हैं, यानी एक तरफ वो आदम अलैहिस्सलाम के कल्ब की तरह
ये कल्ब बिहेव भी कर सकता है और उधर वो इबलीस की तरह कुफर पर, नफाक पर डट भी सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमने इसमें वो आदम अलैहिस्सलाम की बरकात को जमा करना है या उससे खाली रखना है। अगर उससे खाली रखेंगे तो फिर वो वही करेगा जो कुछ इबलीस उसे सिखाएगा। और ये बात कुरान में भी मौजूद है, वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन वनकम वनहशरुहू यौमल क़ियामत अअमा। फरमाया जो मेरे जिक्र से आराद करेगा, एराज करेगा, जान छुड़ाएगा, साइड पे रख के उसको उसको दुरुस्त नहीं समझेगा, अल्लाह के जिक्र को अहमियत नहीं देगा, अल्लाह के जिक्र को अहमियत ही नहीं देगा बल्कि अल्लाह के जिक्र को वो पीछे फेंक देगा, तो वो क्या करेगा? उसको अल्लाह पाक फरमाते हैं जब कोई अल्लाह के जिक्र से एराज करता है, फइन्ना लहू मईशतन वनकन, पहली काम मैं ये करता हूँ कि उसकी मईशत को मैं तंग कर देता हूँ, वनहशरुहू यौमल क़ियामत अअमा, फिर क़यामत के रोज उसको मैं अंधा करके उठाऊंगा, ब्लाइंड। तो कहेगा काला रब्बे लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुंतु बसीरा, अल्लाह मुझे आपने अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो दुनिया में ठीक ठाक देखता था, मेरी तो आईज थी, मेरी विजन थी, मैं देखता था। अल्लाह पाक आगे से फरमाएंगे कि मेरी आयात तुम तक पहुंचती थी, तलावत की जाती थी, वनफा नसी था, तू तो उसे बुला देता था। तो आज हम भी फनसी था, आज हम भी आपको छोड़ देंगे, हम भी आपको बुला देंगे, यौमा, इसी तरह आज के दिन में हम भी आपको बुला देंगे। तो याद रखें ये लताइफ हैं, इनकी कारकर्दगी वो करैक्टर बनाती है आपका, जो करैक्टर मुफीद है या मुजिर है। अगर ये कारकर्दगी शो करें तो आपके बातन में वो सलाहियतें पैदा हो जाती हैं जो आपको उरूज पर ले जाती हैं, तरक्की पर ले जाती हैं। और अगर आप इनके ऊपर मेहनत ना करने का फैसला कर लें तो उसका नतीजा ये होता है कि आपकी सलाहियतें जो है वो ज़ाया हो जाती। एक तो फरमाया कि भाई उसकी मईशत को तंग कर दूंगा, दूसरा वनाशरु यौमल क़ियामत अअमा, क़ियामत क़ियामत के रोज उसे मैं अंधा करके उनका हश्र करूँगा। बहरहाल ये लतीफ़ा क़ल्ब है, लतीफ़ा रूह जो है दूसरा, ये इस पर दो अंबिया अलैहिस्सलाम के अनवारात आते हैं, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के और एक नूह अलैहिस्सलाम। तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी सिफात को आपने अंदाजा कर लिया होगा कि उन पर कितनी ज्यादा उन पर मुशक्कतें अल्लाह पाक ने डाली, कितनी ज्यादा उन पर वो इम्तहानात उन पर डाले, और उन सारे इम्तहानात से वो सुरखरू होकर निकले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है वइज़्बतला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा काला वमिन ज़ुर्रियति। तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हमने इज़्बतला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमात, हमने कई किस्म की आजमाइशों में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुबतला किया, इज़्बतला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमात, कई चीज़ों में हमने उनका टेस्ट लिया, उनको मुश्किलात में मुबतला किया, उनको तकालीफ में मुबतला किया, उनको आजमाइशों में डाला। तो उनसे फिर क्या हुआ, इज़्बतला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमात फअतम्महुन, तो कमाल है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने फअतम्महुन, उन्होंने सारों में से वो कामयाब होकर निकले, मुकम्मल होकर निकले, उन्होंने उसमें से कहीं कमजोरी नहीं दिखाई, कहीं वो फेल नहीं हुए,
उन सारी एक्सरसाइजेस में जो उनसे ली गई उसमें वो कामयाबी उन्होंने पाई। और जब वो कामयाब होकर निकले तो अल्लाह पाक ने उसके नतीजे में उनको क्या फरमाया, काला इन्नी जाइलुन कलिन्नास इमामा, ऐ इब्राहिम हम आपको तमाम जहान के इंसानों का इमाम बना देंगे, लीडर बना देंगे। काला इन्नी जाइलुन कलिन्नास इमामा, तो तमाम इंसानियत का लीडरशिप, और लीडरशिप उनको ऐसी मिली कि कोई नबी उनकी औलाद से बाहर नहीं पैदा हुआ। हर नबी, जो भी नबी पैदा हुआ वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से। इमामा, अब जब इंसान को कोई नेमत मिलती है तो ये इंसान की फितरत में ये शामिल है, बुद्धि में शामिल है कि उसे भी अपने औलाद की भी फिक्र होती। काला व मिन ज़ुर्रियती, और फरमाया कि क्या या अल्लाह मेरी औलाद के बारे में कुछ फरमा दीजिए, कुछ उसके भी हो जाए। काला व मिन ज़ुर्रियती, जो हमारी औलाद है वो भी इन कामयाबियों को पाए। काला व मिन ज़ुर्रियती, काला ला यनालु अहद ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया ठीक है दूंगा तुम्हारी औलाद को भी वो बर्तरी दूंगा, लेकिन ला यनालु अहद ज़ालिमीन, आप में से जो जालिम होंगे, जो अपनी हद से गुजरने वाले होंगे, उनके साथ मेरा कोई वादा नहीं, वो मेरे वादे में नहीं आ सकते। आप देखें ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ क्या क्या, ओ लको रख वीरान इलाके अपनी सौजा मतलब को थोड़ा सा सामान देकर छोड़ के जा रहे, ऐसा एरिया जिसमें मुसाफिर भी नहीं आते उस एरिए में जाकर छोड़ के जा रहे। अल्लाह पाक ने उनके साथ क्या मेहरबानी की, बच्चे की विलादत हुई, बच्चे की विलादत के बाद वहाँ अल्लाह पाक ने ये जमजम का पानी चश्मा, ऐसा चश्मा दिया जो क्यामत तक रहेगा, सारे जहान में ड्राउट हो जाएगा वहाँ पानी जरूर रहेगा, मिलेगा क्यामत के कुर्ब में। तो ये अल्लाह पाक ने उनकी नेमत, ऐसी नेमत अता फरमाई जो रहती दुनिया तक, जिसका निशान बाकी। फिर उनके खाने पीने के लिए वो वहीं पर वो सामान मुहैया, खजूरों के दरख्त, दूसरी तीसरी चीज़ें वहाँ वो लग गई जिनसे उनकी गजा और उनकी रिहाइश उधर ही ठहर गए वो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वो बच्चा बड़ा बड़ा होता है, अब वो आँखों का तारा है, अब हुक्म हो रहा है कि इसको इन्नी अराफिल मनाम है अन्नी असबाह का फंजुर माजा तरह, अपने बच्चे से कह रहे हैं कि मैंने ये देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ ख्वाब, फंजुर माजा तरह मेरे बेटे तेरा क्या ख्याल है। बेटा भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा है तो आगे से जवाब देता है, इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन, ऐ मेरे वालिद वो कर गुजर जो कहा जा रहा है, जरा पीछे नाट। और फरमाया कि कर गुजर, इफ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मुझे तू साबर और शाकर पाएगा, यानी इस कुर्बानी में मुझे भी अपने साथ ही पाएगा। अब इसी तरह और कितनी ऐसी कुर्बानियां हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पेश की, वो तामीर काबा का काम भी अल्लाह पाक ने इनसे लिया, और फिर उनकी औलाद सब के सब नबी उनकी औलाद में से हुए। इस बनी इसराइल ये सारी की सारी इसमें नबूवत है, और ये सारी नबूवत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अपनी औलाद में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह पाक ने इस्माइल अलैहिस्सलाम दिए और इसहाक अलैहिस्सलाम, दो बेटों का, दो बेटों में से आगे सारी नबूवत जो है वो उन्हीं की औलाद में रही। ये है काला इन्नी जाइलुन कलिन्नास इमामा, सारे जहानों का, इंसानों का इमाम बना दिया आदम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। ये दूसरा
اس دوسرے لطیفے میں یہ وہ انوارات و تجلیات باری تعالیٰ ہوتے ہیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام السلام اور نوح علیہ السلام کے سینہ اقدس سے ہے۔ تو یہ جب لطیفہ منور ہوتا ہے تو اس کے اندر وہی پھر صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی آزمائش کو وہ قبول کرتا ہے، وہ دل وہ اور وہ اعضاء اس سارے قبول کر کے تو وہ اگلی نسل اگلے لوگوں کے لیے پھر وہ مثال بنتا چلا جاتا ہے۔ تیسرا لطیفے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی کاوشوں کو آپ سامنے لائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، وہ بیبی ہیں، ہاتھ میں اونٹھا پکڑا ہے، ابھی منہ میں ڈالا ہوا ہے، اور وہ انہیں ان کی والدہ محترمہ کو حکم ہوتا ہے کہ اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ فاذا خفت علیہ، جب آپ کو ڈر پیدا ہو تو آپ ایک مکسے میں اس کو ڈال کر فی الیم میں دریا میں بہا دیں، اور ولا تخافی ولا تحزنی، اللہ فرما رہے ہیں نہ خوف کرنا ہے نہ غم کرنا، ڈرنا نہیں ہے بالکل۔ دیکھنا ایک ماں ہے ایک صندوق میں ڈال کر دریا برد کر رہی ہے، دریا کے پانی میں کوئی ایسا تو نہیں ڈسپلن بھائی اس نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی تھی، خود وہ بھی جانتی تھی دریا کے بھی بیہیویئر کو۔ تو اللہ پاک جل جلالہ نے فرمایا کہ فلا تخافی ولا تحزنی، یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نبی کی والدہ ضرور ہیں، نبی نہیں ہے خود، لیکن اللہ پاک نے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، اور کلام میں پھر اس طرح کہ وہ آگے سارا کچھ جو ہے نا وہ چل کے پتہ چلتا ہے، ذرا سا پاس کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں۔ جی آپ بسم اللہ کریں، وہ قلب روح اور اس میں دونوں نبی ان کی انوارات، اور اس کے بعد اگلی ہے کہ بھئی تیسرا جو لطیفہ ہے یہ اس کا نام آگے سری ہے جی، اور سری جو مقام سری ہے یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکات کا یہ لطیفہ ہے، اور روح کے اوپر خفی کے جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکات ہیں اس میں جی، اور ان کے درمیان اخفا ہے، یہ جو سینے کا اندر سینٹر ہوتا ہے جس میں گڑا سا ہوتا ہے، یہ پانچواں لطیفہ ہے۔ تو یہ پانچ لطائف کے مقام ہے، چھٹا یہ پیشانی پر اس کو ہم لطیفہ تو کہہ دیتے ہیں ٹرمینالوجی سپیکنگ میں، لیکن یہ اصل میں یہ سجدہ کی جگہ جس کو کہتے ہیں یہ مقام نفس ہے، اور ساتواں سلطان الاذکار، یہ سر سے اوپر یہاں سے لے کر پورے وجود ہی کو اس میں ذکر میں شامل کیا جاتا ہے، اس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں کہ یہ سارے بدن کو شامل ہے، اور اس میں سارا یوں خیال کیا جاتا ہے کہ بھائی جو سر سے لے کر پاؤں تک وجود جو ہے وہ پارٹیکلز چھوٹے چھوٹے پارٹیکل یا ذرات سے ہی مشتمل ہے، اور ان سارے ذرات کے اوپر توجہ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ اس ستویں لطیفے میں اصل میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک جو وجود کے سارے ذرات ہیں، ہر ذرات پر اللہ کے پاک نام کی وہ ضرب خیال کر کے لگائی جاتی ہے، جس سے ہر ذرے کے اندر وہ پاکیزگی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ پاک کے مقدس نام کے اندر جو نور ہے، اس نور کی وجہ سے، اس کا خیال کر لینے کی وجہ سے۔ اور یہ اس طرح یہ پانچ لطائف اور چھٹا نفس
और सातवां सुल्तान अलजकार। ये आज़ा हैं, ये कंपोनेंट हैं उस रूह के जो एक नूरानी मखलूक है। तो जब अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह इन 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 कंपोनेंट्स को या इन लताइफ को रोशन और मुनव्वर कर देता है अल्लाह का जिक्र करना। क्यों? अल्लाह पाक ने जैसे कुरान में फरमाया हुआ अल्लज़ी अनज़ल सकीना फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, सकीना की तारीफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया कि वो एक रहमत है, एक अल्लाह की ब्लेसिंग्स है जो ऊपर से नाजल होती हैं। अनज़ल सकीना फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, मोमिनीन के क़ुलूब में, लियज़दादू ईमानम मा ईमानहुम, ताकि उससे ईमान में मज़ीद ईमान का इज़ाफ़ा हो जाए। ईमान भी बुनियादी तौर पर वो नूर है जो कुलूब को रोशन और मुनव्वर करता है। तो जब उससे ईमान का इजाफा होता है तो उससे वही मतलूब और मकसूद है हमें कि इंसान के अंदर की वो ताकत, ताकत ईमानी वो बढ़े, ताकि जो शरीयत मुतारा के आमाल हैं या अफ़ाल हैं उनको पूरी खलूस के साथ अदायगी आसान बनाए उसकी। ये वो बुनियादी चीज़ है जिसके लिए ये तसव्वुफ़ की ये प्रैक्टिस ये की जाती है, और इसको अहले इल्म ने इस चीज़ को समझा और अहले सूफिया जो इस फ़न के माहिर थे उन्होंने इसको इख्तियार किया। अच्छा जी, अब सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया, ये जो जिस सिलसिले से हम अपना तरबीती निज़ाम पेश करते हैं या जिस सिलसिले से हमने खुद तरबियत हासिल की और इससे तरबियत करते हैं, तो इसका जो तरीका जिक्र है इसको पास अनफास कहते हैं। पास अनफास है यानी सांस के साथ, सांस के सांस को जिक्र इलाही में इस्तेमाल कर, ये समझ। सांस के साथ जिक्र नहीं आता, सांस तो एक अलहदा आइटम है कि सांस लेना और खारिज करना ये इंसानी जिंदगी के वजूद का एक आम तरीन रुकन है कि सांस आता जाता रहे तो जिंदगी हयात बरकरार है। लेकिन सांस ही ना आए तो इसका मतलब है कोई उसकी हयात बरकरार नहीं रहती। तो कोशिश ये की जाती है, प्रैक्टिस इस चीज़ की जाती है कि हम अपने सांस के साथ अल्लाह के जिक्र के ख्याल को इतना अटैच करते हैं, उसमें इतनी ताकत भर दें कि कोई सांस ना अल्लाह के नाम के बगैर आए ना जाए। अब इसमें तरीका ये करते हैं कि सांस जब नाक के जरिए सांस ले, आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं, नाक के जरिए सांस लेते हैं, जब इनहेल करते हैं सांस तो आप ख्याल साथ चलाते हैं कि सांस के साथ साथ मेरे दिल में लफ्ज अल्लाह आ रहा है, और सांस जब वापस खारिज हो तो उसकी जरब या चोट या जो स्ट्राइक कर रहा है मेरे दिल वाली जगह पर, बाई तरफ जहाँ दिल होता है उस दिल पर, तो इस तरह वो सांस की जरब, ख्याल की जरब और हरकत की जरब, ये तीन मिलाकर हमने इस कोऑर्डिनेट करके तो इसको हम ये अल्लाह के पाक नाम की जरबें अपने कल्ब पे लगाते हैं। यानी एक ये हरकत की जरब कि थोड़ा सा सांस लेते हुए पीछे हुए सांस खारिज होते हुए आगे जैसे खारिज करते हुए निकलती है। तो आपने कभी ये अफाज को देखा होगा मस्जिद में, जो हाफज होते हैं वो हिफज कर रहे होते हैं कुरान पाक को, तो वो तेज़ी से हिल भी रहे होते हैं। उनको हिलना किसी ने कहा नहीं होता, बल्कि इससे उनको एक कंसंट्रेशन नसीब होती है, एक मेडिटेशन की कैफियत पैदा होती है वजूद के, वजूद को जब इस हरकत में लगा लेते हैं तो वो साथ साथ वो भी वजूद भी अंगेज हो जाता है और वो इधर उधर की ध्यान को भटकने नहीं देता। इसी तरह सांस का लेना और सांस का खारिज करना एक तभी अमल है, इसको भी जब इसके काम में लगा लेते हैं तो कंसंट्रेशन और कभी हो जाती है। इसी तरह फिर जब ख्याल को साथ, तीसरी वो ख्याल होती है, इसको चलाते हैं तो ख्याल मरकूज हो जाता है खुद, और असल मतलूब और मकसूद भी यही होता है ना कि दिल मौजूद रहे, हाजिर रहे अल्लाह की तरफ। और यही लोग तो कहते हैं ना कि जी मैं नमाज तो पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ लेकिन दिल हाजिर नहीं होता, हाजरी का तसव्वुर नहीं होता, ख्याल इधर उधर भटक जाता है, उधर चला जाता है, उधर चला जाता है। तो ये जो ख्याल का इधर उधर चला जाना है, इसको काबू करने के लिए ये वजूद की हरकत भी और सांस की जरब भी, इसको भी यूज़ किया जाता है। एक बात यहाँ मैं थोड़ी सी तफसील बयान करता चला जाऊँ,
گرچہ وہ موقع تو نہیں ہے یہاں پہ, لیکن پھر بھی اللہ پاک جل جلالہ نے سب سے پہلے یہ مٹی کو پیدا کیا یا اس مادے کو پیدا کیا, آپ سمجھ, یہ مادہ بہت طاقتور, پھر اللہ پاک نے اس سے زیادہ طاقتور چیز پیدا کی جس کو آگ کہتے ہیں. یہ آگ جو ہے یہ مادے کو بھی پگھلا کے رکھ دیتی ہے, یہ اس سے طاقت کبھی ہے. پھر آگ کے اس سے زیادہ طاقتور چیز اللہ نے پانی کو پیدا کی, پانی جو ہے یہ آگ کو بھی ختم کر دیتی ہے, بسم کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. تو پانی کی طاقت آگ سے بھی زیادہ ہے. پھر جب یہ چیزیں آ گئی تو پھر اللہ پاک نے پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز ہوا اس کو پیدا کی. یہ ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور چیز, آپ دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو ٹنوں پانی جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے, زمین پر گرتا ہے. ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ملا لیں اور کوشش کریں کہ وہ جو ٹنوں پانی بارش کی وجہ سے نیچے آیا ہے وہ سارا واپس ہوا میں آپ پہنچا دیں تو آپ نہیں پہنچا سکتے, لیکن ہوا نے یہ سارا وزن اٹھایا ہوا تھا. یہ پانی جو نیچے گرا ہے یہ سارا ٹنوں وزن جو تھا یہ سارا ہوا نے اٹھایا ہوا تھا اوپر. اچھا جی, یہ ہوا کا تعلق کچھ لطیف عمل کے ساتھ بھی ہے. روح جو ہے یہ ایک لطیف مخلوق ہے, عالم امر سے جو آئی, نورانی مخلوق. پہلا عمل جو ہوا ہے انسان کی جب پیدائش ہوئی ہے تو جسم جو ہے وہ من صلصال من حما مسنون, کھنکھناتی مٹی. یہ میں اس کی تفصیل اگر آپ کو بتاؤں یہ کیا بنتا ہے من صلصال من حما مسنون, تو اگر آپ کسی ایسے چھپڑ میں جوہڑ میں دیکھیں جو پرانا چھپڑ اور جوہڑ ہو, اس کے اندر کلے ہوتی ہے, چکنی مٹی ہوتی ہے, کیچڑ ہوتا ہے, کالا سیاہ جو ہے جس میں تھوڑی سی سمیل بھی ہوتی ہے, اس کو اگر تھوڑا سا ڈرائی کر لیا جائے تو وہ کھنکھناتی مٹی بنتی ہے. اس سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو بنایا گیا ہے, یہ قرآن بتا رہا ہے. اب جب من صلصال من حما مسنون سے وہ جسم مکمل تیار ہو گیا, اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب یہ جسم میں تیار کر دوں, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, وَنَفَخْ, نفخ کہتے ہیں یہ پھونکنا, یہ لطیف عمل ہے, یہ ہوا کا عمل ہے, اس میں ہوا شامل ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ, روح کو پھونکا گیا ہے وجود کے اندر. اور یہ عمل کس نے کیا ہے؟ یہ جو کلام کر رہا ہے یہ عمل بھی اسی کا ہے. وَنَفَخْتُ, میں پھونک دوں, روح, روح نہیں, روح ہی, اپنی روح. یہاں بھی روح کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے. جیسے میں مثال کے طور پر کہوں قلم عربی میں, تو قلم کسی کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر میں کہوں قلمی, چھوٹی یہ لگا دوں, تو یہ قلم میرا قلم ہے. یعنی جو کہہ رہا ہے بندہ متکلم ہے اسی کا ہے وہ. تو یہاں بھی اللہ فرمائے وَنَفَخْتُ, میں پھونک دوں, فِيهِ مِن رُوحِ, تو روح کا اس پھونکنے کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ ضرور ہے, جس کو اگر کوئی نہ بھی ڈسکور کر سکتا ہے تو نہ کرے, لیکن ہے, صحیح ہے. اسی طرح آپ دیکھیں حضرت مریم کا واقعہ, ہو جس جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہو, تو وہاں بھی وہ فرشتے نے پھونکا ہے. تو یہ پھونکا روح کے ساتھ کوئی تعلق ہے جی, وہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو یہ جو پاس انفاس طریقہ ذکر ہے, یہ بھی صوفیاء نے بیسیکلی اسی روح کی تعمیر سیرت کے لیے, روح کی ترقی کے لیے, روح کے اندر وہ برکات کیفیات کو پانے کے لیے اس سانس کے ساتھ ہوا پھونکنے کا, اس کا کوئی تعلق بنتا ہے جی, جس سے کوئی نہ کوئی آسانی پیدا ہوتی ہے, جس سے یہ توجہ کا سلسلہ بھی بنتا ہے. تو یہ سانس لیتے ہوئے اللہ, خارج ہوتے ہوئے ہو, اور ہو کی ضرب دل پر لگے, خیال کو اس کے ساتھ لگا دینا. تو یہ نفخے, یہ جو سانس ہے, پاس انفاس کا طریقہ, یہ بہت افیکٹو طریقہ ہے. جب کرتے ہیں لوگ تو پتہ ہے لوگوں کو کہ اس میں کیا افیکٹو نیس ہوتی ہے اس کی. دوسری بات یہ ہے کہ
जब हम इस तरह ये लताइफ, चूँकि ये रूह के नूरानी हवास हैं और रूह के नूरानी हवास को जब फीड मिलती है वो नूरानी गजा, वो डिवाइन नेमतें अल्लाह ताला की, ये जो लतीफ़ा कल्ब है इस पे जब हम जिक्र करते हैं तो पहले आसमान से अनवारात आते हैं इसमें, फिर दूसरे आसमान से, फिर तीसरे आसमान से, इसी तरह ये आसमान से, ये ऊपर से नूर का अनजल सकीना था, नजूल सकीना ऊपर से होता है, नीचे से नहीं होता कहीं से, तो वो अनजल सकीना था फी कुलूबिल मोमिनीन, मोमिनीन के कुलूब पर होता है और ये कुलूब जो है इस तरह ये रोशन और मुनव्वर आगे चलते। तो इस तरह करते करते जब एक सालिक जो है वो पांच लताइफ पर पूरी मेहनत करता है, जिक्र करता है, तो उसकी रूह में वो एनर्जी, वो कुव्वत पैदा होती है कि वो रूह ऊपर के मनाजिल बाला की तरफ जाने की सलाहियत उसमें पैदा होती है। फिर आगे शेख कामल अपने सीने के अनवारात से उसको अलका और इनकास कर, अलका और इनकास, इनकास कहते हैं वो जो उसके लताइफ पर पूरी जो एक बूस्टिंग एक्शन जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, इनकास कहते हैं जैसे मुनक्कस होना, मुनक्कस कैसे होता है, आप सूरज की शुआओं को सामने आईने को रखें तो मिरर जो है उसमें जब वो शुआएं पड़ती हैं तो वहां से फिर वो शुआएं अगर मुनक्कस होकर आगे दूसरी जगह वो जाकर पड़ती हैं और उस जगह को रोशन कर देती हैं। इसी तरह मशाहीन के अपने सीने के लताइफ से रोशनियां मुनक्कस होकर मुरीद के या सालक के सीने में अनवारात जब मुनक्कस होकर आते हैं तो उसके लताइफ भी रोशन होते हैं। तो ये इस तरह एक तरीका जिक्र है जिससे लताइफ को रोशन और मुनव्वर किया जाता है। लताइफ और रोशन जब मुनव्वर होते हैं तो रूह में ताकत पैदा होती है और रूह को तवज्जो देकर शेख की तवज्जो के साथ फिर आगे मनाजिल सुलूक, आगे मनाजिल सुलूक में सबसे पहले मकाम मकाम अहदियत, ये मकाम अहदियत भी है, इसे मुराकबा अहदियत भी कहते हैं। इसमें अल्लाह तबार ये अगर इस मकाम की निशानदेही करें तो ये सात आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा जो जिब्राइल अमीन जहाँ पर जब उन्होंने हुजूर की मैयत में थे इसमें वाकया मेराज में, तो वो उस वक़्त उन्होंने उससे आगे जाने से उन्होंने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं यहाँ था कि अपना मेरा सफ़र हो सकता है क्योंकि आगे के अनवारात इतने कवि हैं कि मेरा वजूद जल जाता है, मेरे पार जलते हैं। यानी जिब्राइल अमीन जो कि खुद नूरानी मखलूक है और वो उसके हवा, उसके जो वजूद है वो नूरानी और नूरानी मखलूक का सरदार भी है, लेकिन आगे की अनवारात और तजलियात उससे ज़्यादा कवि है और वो इलाका है आलम अमर जिसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया अला अल खल्क वल अमर, क्या खल्क और अमर दोनों मेरा ही नहीं है, आलम खल्क वो है जिसमें मैटर पाया जाता है, आलम अमर में सिर्फ तजलियात बारी तआला का गुजर होता है और वो तजलियात बारी तआला में से ये जो सवाल हुआ था कि या सवालूना का ने रूह बोले रूह मिन अमर रब्बी, रूह का तलब मेरे रब के अमर से है और वमा उती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, इसका इलम आपको नहीं दिया गया था मगर थोड़ा सा। तो ये इस तरह जब सातों लताइफ रोशन और मुनव्वर हो जाते हैं और उसके बाद उसकी परवाज होती है तो पहला मकाम जो है मकाम अहदियत है, इसे मुराकबा अहदियत भी कहते हैं और इसकी तस्बीह है कि वहदहु ला शरीका लका या अल्लाह, यानी एक सालक जो है उसकी रूह और उसका कल्ब व बातन अल्लाह से मुतवज्जे होकर अल्लाह से ये वन टू वन जैसे अल्लाह से पकार उठता है कि वहदहु ला शरीका लका या अल्लाह, तू अकेला है अल्लाह, तेरा कोई शरीक नहीं है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, ये कुरान की आयत है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, और माबूद तुम्हारा माबूद वाहिद। याद रखें हम अल्लाह को बहुत सारी सिफात के वाले से पहचानते हैं, हमें हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक तआला जल्ला जलालू की पहचान अल्लाह के 99 नेम्स के साथ
उनके सिफाती नामों के साथ हमें अल्लाह को मुतारफ कराया है। लेकिन लफ्ज अल्लाह ये अल्लाह का जाती नाम है, बाकी रहीम, करीम, सत्तार, गफार, ये सारे उसके सिफाती नाम। तो याद रखें अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह नूर है कायनात का, जमीन आसमान। अब ये नूर जब इस नाम के से हम अल्लाह को याद करते हैं तो ये नूर है जो अल्लाह के वादे के मुताबिक अल्लाह फरमाता है ना फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जिक्र की बड़ी आसान सी सीधी सी अल्लाह पाक ने इसकी फजाइल बयान फरमाया खुद ही कुरान में कि फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अब हम अल्लाह का नाम लेते हैं, अल्लाह को याद करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। अब अल्लाह ताला ने मेरा और आपका नाम तो नहीं लेना, अल्लाह ताला ने इन द रिप्लाई ऑफ इट, इसके जवाब में हम पे वो अनजल सकीना, वो रहमत, वो नूर, उसने हम पर वो रोशनी, वो नूर, वो हमारे दिलों को जो सैराबी दे सके, जो हमारे रूह को सैराबी दे, वो नूर नाजल करना है। ये उसका जवाब है, जवाब तो उसने देना है क्योंकि उसका वादा है कि फज़ कुरूनी, इधर तुम मुझे याद करो, उधर अज़कुरकुम, मैं तुम्हें याद, उधर जो अल्लाह तबारक तआला ने हमें याद करना है वो अल्लाह का वो नूर है जो हमारे कुलूब पे हमारे बातन को रोशन और मुनव्वर करता है। अब जब हमारा कुलूब और वो बातन रोशन और मुनव्वर होता है इनर से, इनर उसमें वो इनर पीस भी उधर ही पैदा होता है, याद रखें वो अल्लाह के नूर की वजह से, क्योंकि पीस जो है अमन सुकून, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खूब जान लो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को राहत होती है। ये जो राहत या पीस जिसे हम कहते हैं इसका तल्लक मादी वसायल के साथ नहीं है, यानी ऐसा नहीं होता कि मादी वसायल हो जाए तो सुकून हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका तल्लक वो डिवाइन रहमत से है, वो स्पिरिचुअल एफर्ट जो आप करते हैं अल्लाह की ज़ात का कुर्ब पाने के लिए, उसके नतीजे में जो रहमत और ब्लेसिंग अल्लाह की आती हैं उसको, उसके साथ ये अंदरूनी जो बातन की सुकून और बातन की चमक उससे पैदा होती है। अल्लाह ताला हमें इस बात को समझने की भी तौफीक अता फरमाए और इसको भी अब आगे चलाने की भी तौफीक अता है। इसके बाद मुराकबा माइयत है, उसके बाद मुराकबा अक्रबियत है। ये तीन मुराकबात ऐसे हैं कि ये सालक को जब हो जाते हैं तो फिर उसके लिए बहुत सारी आगे राहें भी खुल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी उसको समझ आना शुरू हो जाती हैं। और इसमें माइयत में अल्लाह के साथ होने का एहसास और फीलिंग, और अल्लाह इसमें तस्बीह है वह हुआ माकुम ऐन माकुम तुम, क्योंकि ये अल्लाह तबारक तआला जल्ला जलालुहु खुद फरमान है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ जहाँ भी हो तुम। तो इस तरह ये चीज़ें हमें जी आप बिस्मिल्लाह करें। जी तो दूसरा मुराकबा मुराकबा माइयत है। थोड़ी देर सालक मुराकबा अहदियत में रहने के बाद अगला स्टेप होता है मुराकबा माइयत का। इसमें रूह मकाम माइयत में चाहती है और मकाम माइयत जो है उसमें अल्लाह ताला के कंपनी, जैसे अल्लाह फरमाता है वहुवा माकुम ऐना माकुंतुम, उसकी वो ताबीर में वो गौर करता है सालक, और उस गौर में वो अल्लाह की माइयत की कैफियत को पाने की कोशिश करता है, अपने बातन को अल्लाह की माइयत में पाता है। जब अल्लाह की माइयत में वो पाना पुख्ता हो जाता है तो उसमें उसकी सूरत हाल ये होती है कि फिर उसको इस
मराकबे की प्रैक्टिस के सबब 24 घंटे में ये अल्लाह की मुआयत की कैफियत नसीब होना शुरू हो जाती है और वो किसी लम्हे भी अल्लाह की मुआयत से खाली नहीं रहता। हर लम्हे उसे अपने अल्लाह को अपने साथ पाता है। जब अपने अल्लाह को अपने साथ पाता है तो उसकी एक अजीब लज्जत है, वो लज्जत बताई नहीं जा सकती, वो महसूस करने वाला ही महसूस सिर्फ कर सकता है। उसका फायदा ये होता है कि उस बंदे को गुनाहों से नफरत हो जाती है, वो बंदा हर लम्हे अल्लाह की अतात की तरफ झुका रहता है, अल्लाह की प्रेजेंसनेस, अल्लाह की मौजूदगी, ये एक इतनी बड़ी नेमत है कि ये असल में ईमान की बुनियादी जरूरत है। ईमान नाम ही इस कैफियत का है बेसिकली, और ये चूंकि अल्लाह के कलाम में मौजूद है, वाहुवा माकुम अइनमा कुंतुम, तो इसका मतलब ये है कि ये तदब्बर फिल कुरान की प्रैक्टिस भी कहेंगे। कोई कहता है ये यार ये मुराकबा ये कहाँ से तुमने ले लिया, फलाना तो मुराकबा नहीं करता था फलाना, और भाई ये तदब्बर फिल कुरान है, और कुरान में अल्लाह ने फरमाया अफला या तदब्बरून अल कुरान, क्या लोग कुरान में तदब्बर नहीं करते, अम अला कुलूबिन अकफालोहा, क्या इनके दिलों पर कुफल चढ़े हुए। तो ये दिल ही की कुफलों की कुफल की बात है यहाँ भी और कुरान में भी यही बात है। और कुरान ने तो कल्ब को इस तरह बयान किया है कि उसकी हर कैफियत को कुरान ने बयान किया है। जैसे मैंने अर्ज किया था कि फी कुलूब मरद, ऐसे भी कुलूब हैं जिनमें मर्ज होती है। मर्ज क्या होती है? जब हक और बातल को पहचानने की सलाहियत ना हो तो ये मरीज कल्ब है। कुफर और ईमान में फर्क ना कर सके तो ये उस कल्ब की निशानदेही है जो काम ही नहीं कर। अब क्यामत की बात ही अल्लाह पाक ने फरमाया यौमा ला यनफाउ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, क्यामत के रोज कोई शय काम नहीं आएगी तुम्हें इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम, ना बेटे ना माल, काम आएगा क्या? कल्बे सलीम। कल्बे सलीम कौन सा कल्ब है? कल्बे सलीम कहते हैं दुरुस्त, वो कल्ब जो सही काम कर रहा हो, जो अपना फंक्शन सही अदा कर रहा हो। यानी यूं समझ लें कि अगर कोई पुर्जा तो है किसी वजूद के अंदर लेकिन वो काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब उस पुर्जे का होना ना होना बराबर हुआ। लेकिन अगर कोई पुर्जा अपना सही फंक्शन अदा कर रहा हो तो उस पुर्जे को पुर्जा सलीम कहेंगे। जब कोई कल्ब अपना सही अपना फंक्शन अदा कर रहा हो तो उसे कल्ब सलीम कहेंगे। और कल्ब सलीम वो है जो इस दुनिया में बैठे हुए आखरत पर जिसकी निगाह होती है, इस दुनिया में बैठा हुआ ध्यान वो कल्ब देख रहा होता है अल्लाह की मर्जी को, अल्लाह की मंशा को, अल्लाह की मोहब्बत को, और अल्लाह की फरमा बरदारी और अल्लाह की नाफरमानी को यहाँ बैठे हुए फील कर रहा होता है। यहाँ बैठे हुए उसको ये महसूस होता है कि मैं अगर ये काम करूँगा तो आखिरत में इसका ये रिजल्ट आएगा और वो मेरे लिए तकलीफ दे होगा और ये रिजल्ट मेरे लिए दुरुस्त होगा। ये जो फंक्शनिंग ऑफ कल्ब है इसको कल्ब सलीम कहते हैं। ये कल्ब सलीम जिक्र इलाही के सबब होता है। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ईमान वाले वो। अब ईमान की भी पहचान अल्लाह ने फरमाई वो है जिनके दिल मुतमइन होते हैं अल्लाह के जिक्र से। अल्लज़ीना आमनू ईमान वाले वो है। देखो ना, मैं कहता हूँ वो फलाना ईमान वाला है, वो दूसरा कहता है फलाना ईमान वाला है, बात यह कि अल्लाह किसको ईमान वाला कहते हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, ईमान वाले वो हैं जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से मुतमैन होते हैं। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, खूब जान लो अल्लाह फरमाता है कि बात ही यही है कि अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को राहत होती है। तो इधर अल्लाह का जिक्र करे उधर अल्लाह को अल्लाह ताला उसके कल्ब में इत्मीनान पैदा कर देता है, वो सुकून पैदा करता है, वो इनर पीस जिसे कहते हैं, वो जाए जिसे कहते हैं, जो हमने इसका नाम ही इसीलिए पेज का रखा कि जाए एंड इनर पीस। खुशी वसाइल से नहीं आती, वसाइल के होते हुए खुशी गायब हो जाती। ये जो है ये अल्लाह के जिक्र से, सिर्फ अल्लाह की पहचान से बंदे को आता है। जितना जितना अल्लाह को पहचानेगा इतना इतना उसके कल्ब व बातन में वो सुकून की कैफियत पैदा होगी। और फिर उसका नतीजा क्या होगा? वह अला रब्बिम यतवक्कलून, ज्यादा तुम ईमान, ईमान में भी ज्यादती हो,
ईमान भी ज्यादा इससे होता है और इसकी वजह से अल्लाह की पहचान होती है, इसकी वजह से अल्लाह की माहियत नसीब। देखे ना माहियत बारी तआला कुरान में क्या अल्लाह पाक फरमाते हैं, ये मूसा अलैहि सलाम क्या फरमाते हैं, इन्नहु रब्बी माया सयहदी, इन्नहु रब्बी, रब्बी मेरा रब, ये छोटी ये फिर लगाई है ना यहाँ, तो रब सब का रब है, रब्बी मैं जब कहता हूँ तो मेरा रब है, मैं ओन कर रहा हूँ अपने रब, मैं अपने रब से खुद जुड़ा हुआ हूँ, इन्नहु रब्बी मेरा रब, माया मेरे साथ है, कंपेनियन, सयहदीन जब मेरे साथ है तो मुझे हदायत भी वही दे देगा। एक आपके साथ गाइड है, आप कहीं निकले हैं सफर के लिए और गाइड आपके साथ है तो आपको तो फिक्र ही कोई नहीं, गाइड को तो पहले ही सारा पता है कि कहाँ करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरह जाना है, गाइड आपके साथ है आपको फिक्र ही कोई नहीं, जाना वहां के हालात को मालूम करने की, राइट लेफ्ट किधर से होना है, कहाँ से जाना है। तो अल्लाह पाक मूसा अलैहि सलाम फरमाते हैं इन्नहु रब्बी मेरा वो रब, रब रबूबियत, रबूबियत का मतलब परवरिश करने वाला, पालने वाला, हर हाजतमंद की हर हाजत को जानने वाला और हर हाजत को पूरा कर सकने की सलाहियत रखने वाला। अब वो रब भी मेरे साथ है, रब भी है मेरे साथ भी है, सयहदीन हदायत मुझे देगा, अल्लाजी हुवा युतअमुनी व यस्की, ये मेरा अल्लाह ही है जो मुझे खिलाता भी है मुझे पलाता भी है, वाइज़ा मरितु फहुवा यशफीन, जब मैं मरीज पड़ता हूँ तो मेरी शफा भी उसी के हाथ में है। दवाई दारू तो अपनी जगह रह गया, दवाई दारू का अल्टीमेट नतीजा होता है ना जी शफा, वो शफा तो सारी अल्लाह के पास है, डॉक्टर के पास तो दवा है ना, डॉक्टर के पास शफा तो नहीं है ना, शफा तो अल्लाह के पास। तो देखें रबूबियत, रबूबियत के साथ जुड़ी हुई है माइयत, माइयत के साथ जुड़ी हुई है आगे हदायत, सयहदीन, और हदायत ने उसको क्या दिया है कि वो कैफियत दी है कि जिसने उसे पता है कि मेरा अल्लाह जी मुझे खाना भी वही देता है, मुझे पीने को भी देता है, वल्ला जी अतमाई, और फिर आगे वल्ला जी युबी तो नहीं सुम युहीन, वही मेरा अल्लाह है जिसने मुझे मारना है और उसी के पास मैंने जाना भी है, जो अल्लाह मेरे साथ आज है इसी अल्लाह के पास मैंने आगे जाना है। याद रखे रहेंगे आपके लताफ रोशन होंगे, आपके अंदर ये कैफियत आ जाएंगी, ये मुराकबात की कैफियत आ जाएगी, फिर आपको पता चलेगा कि जिस अल्लाह के साथ प्यार मोहब्बत से आप सुबह अल्लाह का याद कर रहे हैं, अगर मौत आ गई तो जाना किधर, इसी के पास तो जाना, तो इसके साथ तो अभी आपने प्यार मोहब्बत की बातें की, उसकी मैयत की बात की है, उसकी अदियत की बात की है, आपने उसके साथ उसके करीब तर होने की बात की है, आप अभी तो उसी के साथ मोहब्बत से बातें कर रहे थे, उसी के पास जाने डर किस चीज का रह जाएगी। ये होती है ये जब अल्लाह तबारक तआला जल्ला जलालहू कि ये मुराकबात या ये ऐसा अमल में गुजरता है तो फिर उसको खौफ आखरत नहीं रहता, उससे जौक आखरत पैदा होता, जो अल्लामा साहब ने कहा ना अकल जाहिद और इश्क सूफी में ये इतना फर्क है कि उसको खौफ आखरत है, इसको जौक आखरत, ये जिक्र इलाही कसरत जिक्र इलाही की वजह से उसको जौक आखिरत मिलता है, शौक होता है उसको, मैंने जिस अल्लाह को याद कर रहा हूँ मैं उसी अल्लाह के पास तो मैंने अल्लाह जी युमी तो नहीं सुम युकीन, फिर उसी ने मुझे उठा कर ना खड़ा कर देना, अल्लाह जी या तुम या फिर अली खती आती या मुद्दी, फिर आगे फरमाते हैं तो मैं उसी से इत्मीनान, मैं उसी से तमा रखता हूँ, मैं उसी से उम्मीदें वाबस्ता किए हूँ, अल्लाह जी आत्माएं या गफर अली खतियाती यौम उद्दीन, कि वो मेरी खताओं को आखिरत के दिन माफ कर दे। ये है मुसलसल अल्लाह के साथ जुड़े रहने की वो कैफियत जो बंदे के अंदर पैदा होती है, और ये हर ज़माने हाल से ये क्या हो सकता है कि अल्लाह जी युमीतुनी सुम्म युहयीन, अल्लाह जी आत्माएं या गफर अली खतियाती यौम उद्दीन, फिर आगे अल्लाह से दुआ कर करते हैं रब्बे हबली हुक्मा अलहिकनी बिस्सवालिहीन, अल्लाह मुझे मुझे हिकमत अता, मुझे विजडम अता फरमा, रब्बे हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सवालिहीन,
और सालहीन के साथ मुझे जोड़ दे। ये सालहीन के साथ जुड़ जाना जो है ये बहुत बड़ी नेमत है। ये वो नेमत है जो कुरान में मैं बयान कर रहा हूँ। ये वो नुस्खे हैं जी कामयाबी के, जो अल्लाह पाक ने कुरान में बयान किए हैं, जो अल्लाह की कलाम में मौजूद है। कोई इन्हें मामूली ना समझे जी कि ये क्या है जी, कुछ नहीं होता। तो याद रखें, अलहिकनी बिस्वालहीन वजअलनी लिसाना सिदकिन फिल आखिरीन। अल्लाह मेरा नाम भी पीछे पड़ा, कोई अच्छा नाम छोड़ जाना, मेरा नाम भी पीछे रह जाए लोगों के लिए तो वो भी बड़ा बाकमाल रह जाए। और ऐसा ही होता है, आप देख रहे हैं सूफिया के नाम आज भी मौजूद है, लेकिन बड़े बड़े मालदारों के नाम भी कोई नहीं जानता। बेशुमार ऐसे वसायल वाले लोग, बड़े बड़े बादशाहों को कोई नहीं जानता। ये लाहौर में जाकर नूर जहान का मकबरा देख लें और जाकर किसी सूफी का मकबरा देख लें, पता चल जाता है कि इंसानों का कहां किन लोगों के कुलूब से आज भी लोगों के कुलूब वाबस्ता है, आज भी उनके कुलूब के साथ लोगों के कुलूब जुड़े हुए हैं। तो बहरहाल ये याद रखें कि ये कुर्ब इलाही के लिए ये लताइफ पर मेहनत करना, रूह को वो ताकत मुहैया करना, एनर्जी मुहैया करना, रूह का मनाजिल सलूक तय करना, ये इंसान के ईमान की पुख्तगी, दुनिया की कामयाबी, आखरत की कामयाबी के आम नुकात हैं, आम ये मनाजिल हैं। इनको छोड़ना माज इसलिए कि छोड़ो जी कोई क्या बात है, हम वो नमाज भी पढ़ लेते हैं, हमने जिक्र जो हम नमाज भी पढ़ा, हमने सुबह कुरान भी पढ़ लिया था, हमने तलावत भी सुन ली थी काफ़ी। याद रखें उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। जब बंदा करके देखेगा फिर उसे इसकी लज्जत भी महसूस। ये तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ने से बंदा सूफी नहीं बनता, याद रखना। तसव्वुफ़ प्रैक्टिकल वर्क, लताइफ प्रैक्टिकल वर्क, मनाज़िल सुलूक प्रैक्टिकल वर्क है सारा। इसका किसी इल्म और फजल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। बेशुमार साहिब इल्म लोग हैं जो इस कैफियात से नावाकिफ रहते, इस ना इन कैफियात पर शायद लेक्चर मेरे से ज्यादा बेहतर दे सकते हो, लेकिन खुद उन कैफियात से तेरा दिल तेरा दिल रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारसा है, तने तने बे रूह से तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारसा है, तने बे रूह से बेजार है, खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है। खुदा अल हय अल क्यूम है नहीं, खुद भी जिंदा है और कायम है। तो अल्लामा साहब कहते हैं खुदाए जिंदा है, वो खुद जिंदा है, वो भी जिंदों का खुदा है। और आज के मुसलमान को कह रहे हैं तेरा तन रूह से ना आशना है, तेरा जिस्म जो है वो रूह से वाकिफ ही नहीं है, तू जिस्म पर ही सारा जोर दे रहा है इसकी तरक्की तालीम के लिए और रूह और उसकी डिटेल्स को जानता ही नहीं है, रूह और उसकी डिटेल्स की तरफ तू आता ही नहीं है। तो अगर तेरा तन रूह से ना आशना है, अजब क्या आह तेरी नारसा है, तू आह करता है अल्लाह तेरी सुनता नहीं, तो इसमें तजब की क्या बात है। क्योंकि तने बेरूह, वो तन वो वजूद जिसके अंदर रूह ही कोई नहीं है, तने बेरूह से बेजार है हक, अल्लाह की जात ऐसे ऐसे लोगों से बेजार है। खुदाए जिंदा जिंदों का खुदा है, वो खुद भी जिंदा है और जिंदों को वो जिंदों को मोहब्बत करने वाला है। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वल्लज़ीन आमनू, ये उसी ईमान की बात है जो इस जिक्र से अल्लाह फरमाते हैं ज्यादा तुम्हें ईमान, ईमान में ज्यादती होती है। तो इस तरह के ईमान वालों के लिए ही अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हुब भी किधर है इसका तल्लुक, कलब से तल्लुक, मोहब्बत किस मोहब्बत को किस जगह आप रिलेट करते हैं। मजहब को छोड़ दें, मजहब के बगैर भी बाहर जाकर देखें, वो जो मोहब्बत का दिन मना रहे होते हैं तो दिल ही उठाए हुए होते हैं ना बना के लोगों, मोहब्बत का तो हल ही कल्ब है।
اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا ایمان والے وہ ہیں اشد حب للہ جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو محبت کا فعل بھی قلب سے یحبہم ویحبونہ اللہ فرماتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت کا عنصر ذکر الہی قلب کی اصلاح باطن کی اصلاح اور اس کے اندر خلوص پیدا کرنا اس کے اندر محبت الہی کے جذبات انسپائریشن پیدا کر کے عبادات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع میں لانا زندگی ساری کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لانا یہ اس سارے کا عین مقصد ہے اور یہی احسان اور سلوک ہے یہی وہ حدیث احسان ہے. یہ دین کا تیسرا پلر از جبرائیل خود بتا کر گئے انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو بتا کے گئے جو عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تائید فرمائی کہا جبریل ہو یہ جبریل تھے جا امور دین یہ آئے تھے تم کو تمہارا دین سکھانے. انہوں نے ایمان کی بھی تعریف فرمائی انہوں نے اسلام کی بھی تعریف کر دی پھر انہوں نے احسان سلوک کو اس تصوف کی یا اس قرب الہی کی کیفیات کو بھی انہوں نے بیان فرما دیا کہ انت عبد اللہ کان کا تراؤ تم اپنے اللہ کی بات اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ. تو جناب یہ جو مراقبات ثلاثہ ہیں جو میں نے بیان کیے احدیت معیت اقربیت یہ کیا ہے یہ قرب الہی کی کیفیات نہیں تو اور کیا ہے یہ احسان و سلوک ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ لطائف کیوں ہیں ان لطائف پر محنت کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور ان لطائف پر محنت نہ کی جائے تو نقصان کیا ہوتا ہے. ومن اعرض عن ذکری یاد رکھیں یہاں یہ بھی سن لیں اب ذکر کی فضیلت تو سن لی آخری ایک قرآن کی آیت ومن اعرض عن ذکری جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا میں اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا اور قیامت کے روز اس کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں بلائنڈ. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا وہاں وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا تھا میں تو دنیا میں دیکھتا تھا میری تو میری نظریں شطریں بالکل ٹھیک ٹھاک تھی وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمائیں گے فرمائیں گے تیرے سامنے میری باتیں کی جاتی تھی نا فَنَسِيتَهَا تو اسے بلا دیتا تھا اس پہ توجہ نہیں دیتا تھا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اور آج ہم بھی اسی طرح تمہاری پر ہم بھی انہیں بلا دیتے چلیں جی پھر ذکر کر لیں تھوڑا سا اور پھر چلتے ہیں. جی انکل ایک کوشچن تھا کسی کا کہ جی. یہ جو لطیفوں کے جو رنگ ہیں ان کے کیا معنی ہیں تو انورات بھی کیا اسی رنگ میں آتے ہیں یہ آپ نے اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے میں ایک سائنسی زبان میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے لیکن اصل بات تو یہ ساری پریکٹیکل ورک ہے. جب کوئی اس کام میں اندر آتا ہے تو شیخ اس کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہتے ہیں. یہ جو جنرل انفارمیشن ہم دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ بھائی ایک عام آدمی کو جو فوراً سمجھنے کی چیز ہے تو اس کو جنرل سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں آپ نے یہ قوس قضا دیکھی ہوگی جب بارش کے بعد آسمان پر وہ سات رنگوں کی وہ رینبو آتی ہے تو اس میں وہ سات رنگ آپ کو ملتے ہیں. یہ سات رنگ کہاں سے آتے ہیں اس وقت وہ کیوں پینٹ ہو جاتا ہے افق آسمان. اصل میں یہ جو ہماری اپنی روشنی ہے جسے ہم روشنی یہ سفید روشنی گن رہے ہیں یہ اس روشنی کے اندر وہ سات رنگ اس پروپورشن کے ساتھ ہوتے ہیں اس نسبت کے ساتھ ہوتے ہیں جس نسبت سے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو ہوا میں پانی کے قطرے ہوتے ہیں ابھی فضا میں اور اگر اسی کیفیت میں کہیں سے سورج بھی سامنے آ جائے تو سورج سے جو شعائیں نکلتی ہیں وہ ان قطروں میں سے گزرتی ہیں. جب ان قطروں سے گزرتی ہیں تو وہ منشور کا کام کرتے ہیں پیرامڈ وہ پیرامڈ کا کام کرتے ہیں اور ان میں سے پیرامڈ میں سے جب عام روشنی کو گزارا جائے تو وہ سپلٹ اپ ہو جاتی ہے اپنے اپنے کلرز میں
जिस कलर से वो मिलकर रोशनी बनी करती है, तो वो सामने आपके आ जाती है, सात रंग आ जाते हैं। तो वो अवाम है जो कतरे होते हैं उनको वो पैरामिड बन जाते हैं, और पैरामिड से गुजरती है रोशनी तो स्प्लिट अप हो जाती है। तो इसका मतलब है ये जो आम रोशनी होती है ये इन सात रंगों पर मुश्तमिल होती है। और मुझे याद है मैट्रिक में हमें एक गोल डिस्क पर उसी प्रोपोर्शन से वो रंग लगा पेंट किया हुआ होता है डिस्क, उस डिस्क को पीछे से एक चरखी के जरिए चलाते हैं तेजी से, वो तेजी से चलाते हैं क्योंकि वो उसी प्रोपोर्शन से उन्होंने वो रंग उस पर पेंट किया होता है डिस्क को, तो डिस्क जो है वो आम सफेद रोशन नजर आना शुरू होता है। यानी इसका मतलब है उन्होंने साबित करते हैं कि ये जो सात रंग थे ये इसी रोशनी का इजहार थे। तो जनाब ये जो मुख्तलिफ अनवरात हैं मुख्तलिफ कलर हैं ये मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम के सीना अक्दस के या उनके जो मखसूस बरकात हैं उनके रंग अलहदा है। बाकी अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह नूर है कायनात का, तो उसके जो सिफात हैं उनमें भी मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ इंटेंसिटी है हर सिर्फ, चूंकि नूर ही से वो निकली हुई चीज़ें हैं तो वो भी नूर ही होते हैं। तो वो अनवरात तजलियात बारी ताला वो जब मिक्स नजर आते हैं तो कई कई रंगों में भी नजर आते हैं, और जब अलहदा अलहदा नजर आए तो जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सीना अक्दस के जो अनवारात हैं वो जर्द रंग के, और आगे चूंकि दो नबियों के हैं रूप है तो इसमें ये सुरख और गोल्डन ये दो किस्म के अनवारात हैं, दो चूंकि नबियों के बरकात हैं तो वो मिलकर बाद अजीब इन दोनों में से एक मिक्स ही रंग गोल्डन सा बन जाता है वो नजर आता है। इसी तरह तीसरे और चौथे और पांचवा जो है ये तो खास तौर पर हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अकदस के अनवारात हैं, अख्वाब पर ये सब्ज रंग के अनवारात नजर आते हैं। लेकिन इब्तदाए सूफी को इब्तदाए सालक को कोई जरूरी नहीं कि सारे सेपरेट सेपरेट नजर आए, ये बाद मिक्स किस्म या एक के रंग एक एक कलर दूसरी जगह पर नजर आ रहा होता है दूसरा उस पर नजर आ रहा होता है, जब तक कि उसकी विजन जो है वो साफ नहीं हो जाती तब तक ये अनवरात और कलर आगे पीछे नजर आते रहते हैं, इसकी इतनी फिक्र ना की जाए। लेकिन हैं ये बरकातें इलाहिया हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की बरकातें इलाहिया हैं, ये अल्लाह ही की हैं। वो है ना सिबगा तो अल्लाह अमन अहसन मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह का रंग और अल्लाह के रंग से बेहतर रंग कौन सा होता है, तो सारे रंग अल्लाह ही के हैं तो अल्लाह ही उसी नूर से हैं जो अल्लाह तबारक तआला जल्ला जलाल मुख्तलिफ अंबिया के जरिए से हमें हासिल हो, डायरेक्ट अल्लाह की रहमत से हमें हासिल हो जाए, ये डिपेंड करता है हर बंदे के अपने मेहनत पर अपनी कोशिश पर। तो याद रखें कि ये असल मकसद ये है कि ये वो बरकात नसीब हो और उसकी वजह से आपके वजूद में वो आमाले साले आपसे निकले जो उन मखसूस बरकात के हामल अंबिया की थी, वो बरकात में से कुछ हमें भी अपनी अपने दामन के मुताबिक हमें भी उसमें से हिस्सा मिले। जी जिक्र कर लें। जी बिल्कुल आप سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 قلب قلبك اللہ روح دوسرا لطیفہ
अल्लाह सिर्री तीसरा लतीफ। खफी चौथा लतीफा। अल्लाह अख्फा पांचवा लतीफा, सीने के वस्त में सेंटर में अल्लाह। नफ्स छठा लतीफा पेशानी पर। सुल्तान अल-अज़कार सातवां लतीफ।
कल अल्लाह मुराकबे अहदियत वहदहु ला शरीक लक या अल्लाह व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्लाहु अर्रहमान रहीम। अल्लाह जिस्म और जिस्म की दुनिया को यकसर बुला दें, कल्ब व बातन उसे बेदार रखे, रूह ऊपर मकाम आहदियत पर ख्याल करें, दिल अल्लाह के हुजूर में हाजिर हो और अल्लाह से हम कलाम हो जाए, ये जानते हुए कि वो मेरा माबूद वाहिद है, वहदहू ला शरीक लक या अल्लाह। अल्लाह अल्लाह माईयत अल्लाह हाजरी अल्लाह नाजरी अल्लाह माई, ये कि अल्लाह हाजिर है, अल्लाह मुझे देखता है, अल्लाह माई अल्लाह मेरे साथ है, इसका ध्यान करके अल्लाह की तरफ उसकी माईयत में अल्लाह के हुजूर में हाजिर हूँ। इन्नहु रब्बी माईया सयादी अल्लाहु अक्रबियत वनाहनो अक्रबो इलैहे मिन हबलिल वरीद, नाहनो अक्रबो करीब से करीब الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم। दुआ फरमाने, दुआ मांगे पूरी तरह अल्लाह की तरफ, आपका दिल हाजिर हो अल्लाह के सामने और अल्लाह से मांग रहे हैं, इस यकीन इस कैफियत में हमेशा दुआ मांगा कर। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा, अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा, अल्लाह हमने तेरे पाक नाम का जिक्र किया, अल्लाह तू इसे कबूल फरमा, ऐ अल्लाह इसके सबाब हमारे सीनों को रोशन और मुनव्वर फरमा, ऐ अल्लाह में कल्ब सलीम अता फरमा, ऐ अल्लाह में रिज़्क हलाल नसीब फरमा, आमद सालेह नसीब फरमा, अक्ल कामल नसीब फरमा, अल्लाह करीम हमें अपना कुर्ब अता फरमा, अपनी मोहब्बत नसीब फरमा, अपने नेक व सालेहीन बंदों की मोहब्बत नसीब। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बका व हुब्बा हबीबिका وحب من يحبك اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا بانا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا فسادا الا اصلحته ولا عدوا الا كبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة اذا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين। اللهم انا نسالك من خير ما سلك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الى بركه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بركه ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى بركه اسماعيل بصري رحمه الله تعالى الى بركه داوود طاهر رحمه الله تعالى
इलाही बहुत तस्जरात बगदादी रहमत अल्लाह ताला इलाही बहुत तस्मान अब्दुल रहमान जमी रहमत इलाही बहुत तबोयू मोहम्मद सवाले रहमत अल्लाह इलाही बहुत तस सुल्तान आफिन अल्लाह दी मदनी रहमत अल्लाह ताला इलाही बहुत मोहम्मद अब्दुल रहीम रहमत अल्लाह ताला इलाही बहुत ते कुज़ में फयूजात तस्त अल्लाह अल्लाह यार खान रहमत अल्लाह ताला फातिमा इमान व फातिमा इत्मीनान इमान خير برده صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين امين امين الله امين